कस्तूरी मृगनाभि में और वो ढूंढत बन झाड़ी में, भटक भटक होता हैरान, मिले मन मंदिर में भगवान। जैसे जैसे बुराइयां समाप्त होती जाती हैं, भगवान वैसे ही प्रकट होते चले जाते हैं। सुनिए ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा, किचन में जाना पड़ेगा तब भगवान समझेगा। थोड़ी देर चूल्हे पे दूध रख दो, मलाई नहीं दिखे, और थोड़ी देर तक अग्नि में मलाई दिखनी है तो थोड़ी देर भगोनी और दूध को टिकना पड़ेगा चूल्हे पे। धीरे धीरे अग्नि के प्रभाव से दूध से मलाई स्वयं ही दिखाई पड़ने लगती है। वैसे ही जब पवित्र होने लगोगे, भजन होने लगेगा, तो भगवान भी धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, तुम्हें आदत होगी रेडीमेड पुड़िया लाने की, तुम्हें भगवान भी रेडीमेड ही होना है? दाल पुड़िया में आ रही है, सब्जी पुड़िया में आ रही है, सब पैकिंग होना तुमको, भगवान भी पैकिंग में आ रहे। यहीं से फोन लगा के बालाजी से प्रसाद, शिरडी का प्रसाद, अमरनाथ का प्रसाद, घर बैठे प्रसाद ऑनलाइन आ रहा है। रे बाबड़ो, ऑनलाइन भगवान का प्रसाद आ जाएगा? भगवान इतने इंटरनेट को मानते हैं क्या? ये इंसान की चाल है, भगवान की चाल ये नहीं है। वो तो दिल की सुनता है, टेलीफोन की सुनने वाला नहीं है। लाखों लोग लगे पड़े ऑनलाइन बुकिंग करा रहे, हमारे प्रसाद आ जाए, केदारनाथ का प्रसाद। प्रसाद तो आएगा जब तू केदारनाथ का चरणार स्पर्श कर लेगा। मंगाते रहिए, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हम समझाएंगे जरूर। सब तुम्हारे पास है पर फिर भी मन उदास है, कारण कुछ तो गया है जो नहीं जाना चाहिए था। दक्ष प्रजापति के 5000 पुत्रों ने तप किया, नारद जी की आज्ञा में रहकर उन्होंने गृहस्थ नहीं किया। दक्ष की सारी कन्याएं, 27 कन्याओं ने देवताओं के साथ विवाह कर लिया। 11 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ। शिव पुराण में बहुत बड़ी कथा आती है दक्ष की कन्याओं की विवाह की, और उसी कन्या के विवाह के कारण, रोहिणी के कारण ही सोमनाथ महादेव प्रकट हुए हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है। कथाओं में सुनाएंगे शिव पुराण भी, कभी न कभी मौका आएगा उसमें दिखाएंगे कहां विस्तार हुआ है देवियों का और देवताओं का। चंद्र को यहां विराजा हुआ है शिव जी ने, गंगा को यहां विराजा हुआ है, बड़ी महिमा है भगवान की देवताओं के महाराज। चंद्र और गंगा दो देवताओं को शिवजी ने सिर पे बिठाया हुआ, इतना लाड़ लड़ाया हुआ है। जब कोई पवित्र होता है तो सब कोई सिर पे बैठ सके है। छोटे छोटे बच्चे पवित्र होते मन के कोई भी सिर पे बिठा लेता है, और जैसे ही 16 साल का हुआ फिर कोई बिठाता नहीं है, अपवित्र हो जाता है। चंद्र पवित्र हो गए, सिर पे बिठा लिया, गंगा पवित्र है, सिर पे बिठा ली। और शास्त्रों में तो यहां लिखा हुआ है कि बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो पर सिर पे ना बैठना चाहिए, बेटे की जगह हमेशा घुटनों के नीचे होनी चाहिए बाप के। और जो बेटा घुटनों के नीचे रहता है वो हमेशा ऊंचा रहता है, और जो ऊंचा बनने के चक्कर रहता है वो हमेशा नीचे ही रहता है, वो कभी ऊंचा होता नहीं। क्या करना फिर बोलो? लोग ऐसे चुप करते बाप को आजकल, मां को बोलो, औलाद ऐसे चुप करती है मां को, चुप, तैयारी कर लो, ये लाल पीली चुनरी कुछ काम आएगी नहीं ज्यादा, औलाद यही करने वाली है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल ये सिखाया जाता है वहां। मैडम ये नहीं बोलती कि चुप रहो बेटे, शांत रहो, नहीं, बच्चा फिर यही सीख जाता है घर पे आया तो। इसीलिए
हफ्ते में संडे का जो दिन आता है उस दिन मम्मी पापा दोनों को फ्री रहकर बच्चे की क्लास लेकर पढ़ाना चाहिए, बाकी 6 दिन कहीं भी पढ़ने दो, पर संडे को घर पे पढ़ाई होनी चाहिए। उसके लिए संडे सरकार ने दिया है, पर तुम्हारा उल्टा है। संडे आया तो सोते ही सोते रहते 9-10 बजे तक। अरे आज तो संडे, अरे आज तो संडे है। बस संडे इसलिए दिया है कि साफ सफाई करो, सोए जा रहे संडे। और सुनिए ना, निकम्मा काम तो सुनो, इंद्रदेव महाराज की बात तो सुनो। संडे का असली नाम शास्त्र में रविवार, सूर्य का वार। जिस दिन सूर्य कृपा करते हैं उसी दिन ज्यादा सोते हैं लोग, इसलिए सूर्य की कृपा होती नहीं है। शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई भी बार लेट उठो जाए जल्दी उठो, पर शनिवार को नहीं, रविवार को सूर्य से पहले उठ जाना चाहिए, तब रविवार आपको आनंद प्रदान करेगा, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा रविवार। हाँ, रविवार। जिनका शुक्र अच्छा है उनका शनि अच्छा है, और जिनका शुक्र बिगड़ा उनका शनि बिगड़ेगा। साढ़े साथी चल रही है शनि की, साढ़े साथी। पंडित जी ने बता दी और तुमने मान लिया, और हम कह रहे हैं ना भागवत, हम भी तो पंडित जी है ना, भागवत कह रही है जिनका शुक्र अच्छा है उनका शनि अच्छा जाएगा, कभी खराब होने वाला नहीं है। हाँ, और सुनिए ना, शनि के बाद कौन आते हैं? शनि के बाद रवि। रवि कौन है? रवि पापा है शनि के, पिताजी। सूर्य का पुत्र है शनि। जिनका शनि अच्छा निकल गया उनका पिताजी भी अच्छा जाएगा, रवि भी अच्छा जाएगा, पर शुक्र ही खराब है तुम्हारा। इसीलिए आगे तो सुनिए, शुक्र भी उनका अच्छा होता है जिनका गुरु अच्छा होता है, गुरु बा। जिनका गुरु चंगा तो शुक्र भी चंगा, और जिनके शरीर में शुक्र है उनके शरीर में शनि सात्विक होता है, पवित्र होता है, शक्ति देता है, उनके जीवन में रवि आता है, प्रकाश आता है, ज्ञान आता है।